हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल बीएससी एजुकेशन लेक्चर्स में। आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर मैथ सेकंड पेपर यूनिट फोर्थ का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 20 में भी पूछा गया है। तो आप लोग बीएससी थर्ड ईयर की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए। क्रम से क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं यूनिट बाई यूनिट। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन है, एक संहत दूरिक समष्टि का सतत प्रतिबिंब परिबद्ध होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स जरूर करें। चलिए इसको क्वेश्चन अपना, एक संहत दूरिक समष्टि का सतत प्रतिबिंब परिबद्ध होता है। इसके पहले हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करा चुके हैं जिसमें सतत प्रतिबिंब क्या होता है, संहत होता है, लेकिन यहाँ पे अपन को परिबद्ध सिद्ध करना है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो उसमें क्या बोला गया है कि एक दूरिक समष्टि है जो कि संहत है, यानी कि माना एक्स डी तथा बायरो क्या है, दो दूरिक समष्टियां हैं, ठीक है। तथा और एक अपन एक फलन मानेंगे, कौन सा, एफ एक्स बाई, ये क्या अपना सतत है जो कि, ठीक है। अब इसका प्रतिबिंब अपन को परिबद्ध सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसका इसका यानी कि प्रतिबिंब क्या होगा, एफ एक्स बराबर बाई, परिबद्ध है ये, अपन को सिद्ध करना है, ठीक है। चूंकि एक्स क्या है, संहत है, तथा एफ सतत है, शायद दूरी समष्टि के प्रतिबिंब संहत होता है। अतः देखो अपन ने इसके जो पहले अपन ने प्रमेय सिद्ध किया उसमें क्या किया, सिद्ध संहत होता है। जब संहत होगा तो संपूर्ण परिबद्ध भी होगा, अतः हम लिख सकते हैं चूंकि एक्स क्या है, संहत है, तथा एफ क्या है, सतत है, एफ सतत है, ठीक है। और इसके पहले हम एक प्रमेय सत्यापित करवा चुके हैं कि संहत दूरिक समष्टि का प्रतिबिंब क्या होता है, संहत होता है। संहत दूरिक समष्टि का प्रतिबिंब क्या होता है, संहत होता है। इसके पहले आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इसका प्रमेय देख लीजिएगा, हमने सत्यापित करवा दिया है। क्या होता है संहत दूरिक समष्टि का प्रतिबिंब, संहत होता है। अतः क्या ले सकते हैं कि जो एफ एक्स बराबर बाई क्या होगा, संहत होगा। ये अपन ने प्रमेय से अपन ने ये सिद्ध कर दिया कि संहत है, अतः संहत होगा। तो जब संहत होगा तो अपन क्या ले सकते हैं, बाई संपूर्णतः क्या होगा, परिबद्ध होगा। जब संहत है यानी कि परिबद्ध होगा, इतना कहना ठीक है, ठीक है, परिबद्ध होगा। अतः बाई क्या है, परिबद्ध है, ये अपन का यहाँ पे प्रूफ हो गया। पेपर में जैसे ये पूछा जाए तो आप लोग ऐसा लिख सकते हो कि ये संहत दूरिक समष्टि का जो प्रतिबिंब होता है वो संहत होता है। अतः क्या होगा, संहत है जब, तो परिबद्ध अपने आप हो जाएगा। तो और यदि जैसे कि संहत पूछा जाए तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर इसके पहले वाला प्रमेय देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोग प्लेलिस्ट फर्स्ट पेपर की भी दी हुई है और सेकंड पेपर की, और आप लोग साथ में लिखते भी जाइएगा ताकि नोट्स बनते जाएँ और आप लोग अच्छे से करते जाएँ सारे क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन। और जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ पर करवाते हैं सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।